हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है न्यू रूटीन ब्लॉग में। दोस्तों, तो दिन तो नया है लेकिन रूटीन पुराना है। तो चलिए दोस्तों, दिन की शुरुआत मेरी यहाँ से हुई है। आज सुबह के 6 बज रहे हैं, तो सबसे पहले मैं मुँह हाथ धोने के लिए आ गई हूँ। तो वैसे भी सुबह सुबह मुँह हाथ धो ले ठंडे ठंडे पानी से, उसके बाद में काम शुरू करो तो काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि नींद भी खुल जाती है। और इसके साथ में अगर ठंडे पानी से हाथ पैर धो लो ना, तो फिर मतलब चेहरा भी अच्छा रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं मुंह हाथ धोती हूँ और उसके बाद में घर के जो भी काम है वो मैं शुरू करती हूँ। तो बस अभी देखिए आ गई हूँ यहाँ पर, और मैंने अभी मुंह हाथ धो के फिर से चलती हूँ किचन में। और बिना किचन में जाए सुबह सुबह कुछ काम होगा नहीं, इसीलिए सबसे पहले मुँह हाथ धो लेती हूँ और उसके बाद में फिर काम शुरू करती हूँ, ताकि हमारी नींद भी खुल जाए और काम भी फुल एनर्जी के साथ में हो। तो बस आ गई किचन में, और यहाँ आने के बाद मैंने सोचा चलिए अब जो है बच्चों की लंच ही तैयार करती हूँ सबसे पहले। तो बस यहाँ पर मैं जो है सब्जी वगैरह छौंक देती, उसके बाद में फिर जो भी मतलब काम है वो करती जाऊंगी साथ साथ में। बस अभी नहाना धोना तो नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ी देर में करूंगी। तो उससे पहले जो भी काम है वो मैं जो है कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैं अभी बनाने वाली हूँ आज जो है छोले की सब्ज़ी। तो बस सबसे पहले तो मैं जो है सब्ज़ी इसकी छौंक दूँ, उसके बाद में मैं जो है छोले रखती हूँ उबलने के लिए। और यहाँ पर है ना, मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, लेकिन गर्म हो गया पानी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि मैं जो है सुबह भी पानी पी लूँ। तो ये सारे जितने भी काम थे वो सारे निपटाने के बाद में ही फिर मैंने थोड़ा बहुत पानी पिया। लेकिन सुबह पी लो तो पी लो जल्दी उठ के, नहीं तो फिर अगर काम में लग गए ना, तो फिर ये मतलब जो भी छोटे मोटे काम होते हैं अपने, वो फिर करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ भी। तो देखिए अभी मेरा जो पानी मैंने गर्म किया था वो बस रह ही गया, मैंने जो पी नहीं पाया। फिर मैंने बाद में थोड़ा सा बाद में पानी पिया था। तो बस कभी कभी कुछ ऐसे हो काम होते हैं। और यहाँ पर है ना, मैंने छोले रख दिए उबलने के लिए। धीरे धीरे ये भी उबलते रहेंगे और मेरे जो भी काम है वो भी मैं करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी छौंक रही हूँ भिंडी। तो मेरे बच्चों को भिंडी बहुत बहुत पसंद है, हर दिन उनको जो है भिंडी दो, लेकिन वो कभी जो है बोर नहीं होंगे भिंडी खा के। तो मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा जो है भिंडी पसंद है, तो हर दिन में जो है एक दिन या दो दिन बीच में छूट जाते, नहीं तो हर दिन जो है मेरे घर में भिंडी तो बनती ही बनती है। चाहे कुछ भी हो जाए भिंडी ज़रूर बनेगी। अगर 2-4 दिन भिंडी ना बनी ना, तो मेरे घर में ऐसा लगता है कि महीनों 2 महीने हो गए होंगे शायद मेरे घर में भिंडी नहीं आई। इतनी ज़्यादा मेरे घर में भिंडी की डिमांड रहती है हमेशा, चाहे कोई और सब्ज़ी आए ना आए, लेकिन भिंडी तो ज़रूर मुझे लानी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं जो है नहा करके आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ भिंडी, सॉरी भिंडी की बिंदी जिसको बोलते हैं, बस वही। तो यहाँ पर मैंने छोले रख दिए थे उबलने के लिए, तो उबल चुके। अब इनकी जो है मैं झटपट से सब्जी बना लेती हूँ, ताकि मेरा जो भी सुबह का खाना है तो जल्दी बन जाए। तो सुबह के खाने पीने की तैयारी कुछ आगे कर लेती हूँ, मतलब नहाने से पहले, और कुछ जो है बाद में कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है खाना सुबह का जल्दी बन जाता है। तो सुबह के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, मतलब सुबह के ढेर सारे काम होते हैं जो कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो बस चाहे कुछ भी करो, लेकिन खाना तो जो है टाइम पर ही बनाना पड़ता है जल्दी, और कोशिश करनी पड़ती है कि जो टाइम पे करते हैं उससे पहले हो जाए तो और अच्छा रहता है। तो सुबह सुबह तो बस ऐसे ही होते हैं सारे काम मेरे, तो
कभी 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 ऐसे और कभी जो है नहा धो करके भी हो जाते हैं, तो घर गृहस्थी है उसी हिसाब से सारे काम हो पाते हैं जैसे कि घर गृहस्थी में होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने देखिए जो है सब्जी छौंक देती हूँ और यहाँ पर मैंने सारे मसाले वगैरह पीस लिए थे। तो छोले की सब्जी मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें ढेर सारे टमाटर डालती हूँ, छोले की हो या फिर मतलब राजमा और पनीर की हो, तो उसमें टमाटर मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो मुझे टमाटर की सब्जी मतलब ये ग्रेवी वाली थोड़ी थिक हो जाती है ना, तो वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने देखी सब्जी छौंक दी और यहाँ पर जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना वो थोड़ी सी जब थिक होती है ना तभी थोड़ी अच्छी लगती है, और पतली पतली हो तो उसमें मतलब समझ में नहीं आते क्या मतलब इसमें क्या बनाया है क्या नहीं। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी जो ग्रेवी को थोड़ी थिक करने के लिए थोड़ा टमाटर ज़्यादा डाल दो तो अच्छी बन जाती है। टमाटर मतलब क्या बोलते हैं प्याज, प्याज थोड़ा सा मैं कम डालती हूँ और प्याज मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। लहसुन प्याज अब मतलब सब्जी बनाते हैं तो डालने तो पड़ते हैं लेकिन उतने मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा दोनों चीज़ें प्याज और लहसुन। बाकी सारी सब्जियाँ मतलब सब खाते पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा खाना पीना बन गया था, उसके बाद मैंने सोचा चलिए अब काम करती हूँ, जो बाकी काम बचे हुए थे वो मैं अभी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो है बाहर पहले धो दिया है, और बाहर मैं पहले इसलिए धो दिया था क्योंकि मतलब यहाँ जो किचन में से पानी ले जाना पड़ता है इसलिए मैंने पहले बाहर धो दिया था। उसके बाद में अभी मैंने यहाँ किचन का जो भी पोछा था बस अब वो लगा के थोड़ा बहुत और बचा है, बस वहाँ भी जो पानी बचा हुआ है उसे मैं बाहर धो दूँगी ताकि मेरा जो है काम सुबह का अब जो है ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा और बचा, बस कपड़े अपड़े बचे हुए हैं, बस वो भी जो है मशीन में लगा दिए हैं, तो मशीन में जो है कपड़े धुल रहे हैं। उसके बाद में बस अब भी जो भी काम है वो मेरे सारे हो जाएंगे। तो सुबह के सारे काम कुछ इस तरीके से होते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना दोस्तों। राधे राधे, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सारा काम हो चुका है घर का, बस मैं जा रही थी जो है खाना खाने। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 11:30 बज गए, तो पहले खाना खा लेती हूँ फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ।